दोस्तों, स्वाद लाजवाब में आज हम बना रहे हैं साबूदाने की टिक्की, जो बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होती है। इसे आप व्रत में या आपका जब कभी भी मन करे तब भी बना सकते हैं। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए लिया है मैंने साबूदाना। साबूदाने को मैंने 5 से 6 घंटे के लिए भिगो दिया था। जितना साबूदाना लिया था उससे थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल करके इसको भिगो दिया। ये अच्छी तरीके से फूल चुका है। साबूदाने का फूलना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारी टिक्कियाँ क्रिस्पी और टेस्टी बनेंगी। सबसे पहले हमने कढ़ाई गरम करने के लिए रख दी है, जिसमें डाल रहे हैं हम थोड़ा सा घी। घी को गरम करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे मूंगफली। मूंगफली को हम भूनेंगे। मूंगफली कच्ची नहीं रहनी चाहिए, उसको हमें भूनना है अच्छी तरह से। इसे 2 से 3 मिनट लगेंगे भुनने में और मूंगफली हमारी भुन चुकी है। मूंगफली जब ठंडी हो जाए तो इसको हमें पीसना है। पीसना बिल्कुल दरदरा, जिसमें कुछ टुकड़े मूंगफली के रह जाएं। ऐसा नहीं हो कि बारीक हम पाउडर बना दें। दरदरा पीसना है, इस बात का ध्यान रखेंगे, क्योंकि मूंगफली के दाने खाने में बहुत अच्छे लगते हैं जब बीच बीच में आते हैं। देखिए, हमने पीस लिया है। इसे पीसने में ज़्यादा देर नहीं लगी है। देखिए, बिल्कुल दरदरा है। ये मैंने आलू बॉईल करके रखे हैं, 4 आलू हैं, और इनको हम मैश कर लेंगे अच्छी तरह से। आप इन्हें कद्दूकस भी कर सकते हैं। आलू का ध्यान रखें, इसमें पानी ना हो बिल्कुल भी। और हमने साबूदाना डाल दिया है। इसमें डाल रहे हैं हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, अदरक, और जो हमने मूंगफली भुनी थी और पीस ली थी उसको डाल रहे हैं हम। साबूदाने के साथ मूंगफली का जो पाउडर डालते हैं उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। डाल रहे हैं नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, लाल मिर्च और काली मिर्च। लाल मिर्च आप अवॉइड कर सकते हैं जब व्रत का बना रहे हों। और हरा धनिया डाल दिया है। बर्तन छोटा है इसलिए मैं दूसरा बर्तन ले रही हूँ, ताकि अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। मिक्स होना बहुत ज़रूरी है। आलू की क्वांटिटी आपके साबूदाने, फूले हुए साबूदाने से कम होनी चाहिए। और इस बात का ध्यान रखना चाहिए साबूदाने में भी पानी नहीं रहे और साथ में हमारे आलू में भी बिल्कुल पानी ना रहे, क्योंकि मॉइस्चर होगा तो हमारी टिक्कियाँ फट जाएंगी और उनमें जो ऑयल है वो भर जाएगा। इसको हम टिक्की के आकार में अच्छी तरीके से हाथों से बांधते हुए तैयार कर लेंगे। साइड्स को भी हमने दबाया है ताकि वो फटे नहीं। और यदि आपको इसके बड़े बनाने हैं, यानी पकौड़े की तरह से बनाना है, सेम मटेरियल रहेगा और आप इसको गोल गोल राउंड में बना लीजिए। बहुत ही इजी रेसिपी है, झटपट से बन जाती है यदि आपके पास साबूदाना भीगा हुआ है तो। साबूदाने की कोई भी चीज़ बनाते हैं तो क्रिस्पी बहुत बनती है। ये हमारी सारी टिक्कियाँ तैयार हो चुकी हैं। अब इनको हम सेल्फ फ्राई करेंगे। थोड़ा सा ऑयल डाला है और फिर इसमें हम टिक्कियाँ रखेंगे। आप इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सेल्फ फ्राई कर रही हूँ कि कम ऑयल में टेस्ट वैसा ही आएगा और कम ऑयल में ये हमारी टिक्कियाँ बनके तैयार हो जाएंगी। थोड़ा सा हम घुमाएंगे, इन्हें अभी छेड़ेंगे नहीं, पलटेंगे नहीं, जब तक कि एक तरफ से सिक ना जाए। बहुत ही आराम से इनको हम हिलाएंगे और धीरे धीरे इनको हम पलटेंगे। देखिए, एक तरफ से सिक रही हैं, दूसरी तरफ से हम पलट रहे हैं अच्छी तरीके से, ताकि अच्छी तरह क्रिस्पी हो जाए। सिकने से पहले ये सॉफ्ट होते हैं, इसलिए बहुत आराम से हाथ से हमने किया है इसको। और अब हम दूसरी तरफ से भी सेकेंगे। हमारी टिक्कियाँ अच्छी तरह से सिक चुकी हैं, दोनों तरफ से क्रिस्पी हो गई हैं। देखिए, थोड़े से ऑयल में हमारी कितनी सारी टिक्कियाँ बन गई हैं। आराम से निकाल लें।
क्रिस्पी साबूदाने की टिक्कियाँ बिल्कुल तैयार। और हम अपनी बची हुई टिक्कियों को इसी तरीके से इसी पैन में सेक लेंगे कम ऑयल में। दोस्तों, आपको मेरी रेसिपी साबूदाने की टिक्की की अच्छी लगी हो तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए। और अगली वीडियो के आने तक के लिए बाय बाय।